हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये LSG वर्सेस CSK की टीम के बीच में जो ये IPL का 45वां मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये मैच आज दोपहर 3:30 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा। तो इस वेन्यू के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले हम लोग इस मैच से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग यहाँ पे दोनों टीम का रीसेंट फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले LSG की टीम की बात करें तो LSG की टीम ने जो अपने लास्ट 5 मैच खेले उसमें से 2 जीते हैं, 3 हारे। वही CSK की टीम का देखेंगे तो CSK की टीम ने जो अपने लास्ट 5 मैच खेले हैं उसमें से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। तो ये दोनों टीम का रीसेंट फॉर्म रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो दोनों टीम ने हेड टू हेड में अभी तक 2 ही मैच खेले हैं, जिसमें से एक यहाँ पे लखनऊ की टीम ने जीता है, एक यहाँ पे चेन्नई की टीम ने जीता है। अब दोस्तों, जो इन दोनों टीम ने हेड टू हेड में 2 मैच खेले हैं उसके हम लोग यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स भी देख लेते हैं, यानी कि इन दोनों मैचेस में किस किस प्लेयर ने यहाँ पे परफॉर्म किया, तो वो भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो ये वाला मैच दोस्तों इसी सीजन में खेला गया था 2023 में ही। इसमें क्या हुआ था, इसमें CSK की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 217 बनाए थे, जिसको यहाँ पे LSG की टीम चेस नहीं कर पाई थी, पर लगभग टोटल के करीब यहाँ पे पहुँच गई थी। 205 यहाँ पे LSG की टीम ने भी बना लिए थे चेस करते हुए। इस मैच को यहाँ पे CSK की टीम ने 12 रन से जीता था। अब इस मैच में यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर्स रहे थे, हम लोग यहाँ पे उन पर ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस मैच में गैकवेड ने यहाँ पे 57 बनाए थे, देवेन कॉनवे ने यहाँ पे 47 बनाए थे। अब लखनऊ की टीम की तरफ से देखेंगे तो रवि बिश्नोई ने यहाँ पे 3 विकेट निकाले, मार्क वुड ने यहाँ पे 3 विकेट निकाले। तो ये रहे थे इस मैच के परफॉर्मेंस। अब उसके अलावा यहाँ पे हम लोग LSG की टीम की बात करें तो LSG की टीम की तरफ से मयर्स ने यहाँ पे 53 बनाए, निकोलस पूरन ने यहाँ पे 32 बनाए, मोइन अली को इस मैच में दोस्तों 4 विकेट मिले थे, उसके अलावा तुषार देशपांडे ने भी यहाँ पे 2 विकेट निकाले। तो इस मैच में यहाँ पे मोइन अली प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे, आप यहाँ से देख के चल सकते हैं। इस मैच में यहाँ पे मोइन अली ने 19 रन भी बनाए थे प्लस 4 विकेट भी निकाले थे। तो अब दोस्तों, जो 2022 में एक मैच खेला गया इन दोनों टीम के बीच में, हम उसका भी यहाँ पे स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो ये मैच दोस्तों 2022 में खेला गया था, इसमें CSK की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 210 बनाए थे, जिसको यहाँ पे LSG की टीम ने चेस किया था 211 बनाकर। तो इस मैच को यहाँ पे LSG की टीम ने जीता था। इस मैच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप परफॉर्मर्स, तो इस मैच में यहाँ पे दोस्तों रॉबिन ओथप्पा जो लास्ट सीजन खेले थे पर इस सीजन में नहीं खेल रहे, तो इन पर ध्यान देना नहीं है। उसके अलावा शिवम दुबे खेल रहे हैं तो इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। इस मैच में शिवम दुबे ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, यहाँ पे 30 बॉल में 49 रनों की। रवि बिश्नोई को यहाँ पे 2 विकेट मिले, आपको इससे पहले भी मैंने दिखाया उसमें भी यहाँ पे 3 विकेट मिले हैं जो इसी सीजन रवि बिश्नोई ने खेला है, और इस मैच में भी रवि बिश्नोई 2 विकेट ले रहे हैं, यानी कि रवि बिश्नोई को 2 मैच में 5 विकेट मिल चुके हैं हेड टू हेड में। तो रवि बिश्नोई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा आवेश खान ने भी यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे। और यहाँ पे लखनऊ की टीम की तरफ से बात करें तो क्विंटन डीकॉक इस मैच में खेले थे, जिन्होंने यहाँ पे 61 बनाए थे। इवन लेविस भी लास्ट सीजन हिस्सा थे लखनऊ की टीम का, पर ये भी अभी खेलने वाले नहीं है। उसके अलावा ड्यूएन प्रिटोरियस खेलते हैं तो इन्होंने भी यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे, ड्यूएन ब्रावो तो खेलेंगे नहीं। तो ये रहे थे कुछ यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो CSK की टीम ने इस सीरीज में 9 मैच खेले हैं अभी तक, जिसमें से 5 जीते हैं, 4 हारे हैं। LSG की टीम ने भी 9 खेले हैं, जिसमें से 5 जीते हैं, 4 हारे। तो दोनों टीम का लगभग इस सीरीज में सेम परफॉर्मेंस रहा है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे इस वेन्यू के बारे में बात करें तो इस वेन्यू के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ये मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस वेन्यू के बारे में दोस्तों बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 146 का रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 133 का रहा है, और जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले बॉलिंग करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चेसिंग करना आसान होता है। ये चीज़ यहाँ पर देख के चल सकते हैं। वेदर की बात करें, वेदर क्लियर रहने वाला है, बारिश के यहाँ पर कोई चांस है नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे विकेट की बात करें, यहाँ पे किसको ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पेसर्स के मुकाबले स्पिनर ज़्यादा अच्छा करते हैं, आप यहाँ से देख के चल सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट 10 मैच खेले गए हैं उसमें पेसर्स को 56 विकेट मिले और स्पिनर को 60 विकेट मिले। तो जिस वेन्यू पे यहाँ पे पेसर से ज़्यादा स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि उस वेन्यू पे स्पिनर ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो आपको यहाँ पे इसीलिए उतना ज़्यादा स्कोर बनता हुआ नहीं दिखता, यहाँ पे लगभग लो स्कोरिंग ही मैच होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट 3 मैच हुए हैं इस वेन्यू पे, अगर आप उनमें देखेंगे तो अभी रिसेंट में यहाँ पे RCB वर्सेज LSG की टीम के बीच में एक मैच हुआ, जिसमें RCB की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 126 बनाए, जिसमें यहाँ पे 9 विकेट RCB के गिरे थे। अब यहाँ पे LSG की टीम ने इस मैच को यहाँ पे
चेस करते हुए सिर्फ 108 बना पाई, जिसमें पूरी की पूरी यहाँ पे LSG की टीम ऑल आउट हो गई। तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे स्पिनर गेम में आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लो स्कोरिंग गेम देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे GT वर्सेज LSG की टीम के बीच में मैच हुआ उससे पहले, जिसमें GT की टीम ने यहाँ पे 135 बनाई, जिसको यहाँ पे LSG की टीम चेस नहीं कर पाई। इस मैच में भी LSG की टीम सिर्फ 128 बना पाई। उससे पहले LSG वर्सेज पंजाब की टीम के बीच में एक मैच हुआ, इसमें आपको ठीक ठाक स्कोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे LSG की टीम ने 159 बनाए थे और यहाँ पे पंजाब की टीम ने इस मैच को चेस भी किया था 161 बनाकर। पर इस मैच में भी उतना आसान रहा नहीं था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों टीम के यहाँ पे 8-8 विकेट गिरे थे। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि स्पिनर कितना अच्छा इस मैच में, इस गेम में, मतलब इस वेन्यू पे करते हैं। तो आप ये चीज़ यहाँ पे देख के चल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपनी टीम क्रिएट करने। तो टीम बनाने दोस्तों आप लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पे डेविन कॉनवे, क्विंटन डीकॉक, निकोलस पुरान, MS धोनी, तो ये चार ऑप्शन है। अब यहाँ पे दोस्तों स्मॉल लीग के लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हो, यहाँ पे डेविन कॉनवे तो रहेंगे ही, इनको तो लेके चलना ही चलना है। उसके अलावा दोस्तों अगर डीकॉक खेल जाते तो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इनको अभी तक मौका मिला नहीं है इस सीरीज में। उसके अलावा निकोलस पुरन भी अच्छे बल्लेबाज हैं, पर दोस्तों ये स्लो विकेट के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। हालांकि अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, फिनिशर के तौर पे खेलते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे आपको स्कोर करके दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे MS धोनी, इनको आप लोग GL में ट्राई कर लेना, क्योंकि इनको स्मॉल लीग में लेना तो हमेशा रिस्की रहता है, क्योंकि इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए डेविन कॉनवे को ही लिया है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बैटिंग सेक्शन में चले तो यहाँ पे दोस्तों लोकेश राहुल लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो इनका इस मैच में खेलना ना खेलना कंफर्म नहीं है। तो अगर ये खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ इस मैच में शायद लोकेश राहुल ना खेले, तो फिलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों ऋतुराज गायकवाड के साथ जा रहा हूँ, जिनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे गायकवाड और कॉनवे यहाँ पे दोनों ओपनर्स को लिया है। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें अजिंक्य रहाणे, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, तो आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं इस मैच में अगर बात करूं तो मैं यहां पे ऑलराउंडर और बॉलर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो इसलिए मैं बैट्समैन में यहां पे ज़्यादा बल्लेबाजों को लेके नहीं चलूंगा। तो यहां पे दोस्तों मैंने यहां पे फिलहाल के लिए गायकवाड को लिया है। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। दीपक हुड्डा की बात करें, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं है, पर GL में आप लोग एक आध टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं। शिवम दुबे को दोस्तों धोनी यहाँ पे अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो आप लोग इनको चाहें तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में मैंने आपको दिखाया रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, और जो लास्ट सीजन हेड टू हेड मैच हुआ था उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी पारी भी खेली थी, तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे बात करें, यहाँ पे अंबाती रायडू GL पे करेंगे, इनको आप लोग GL में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी इस सीरीज में कुछ खास किया नहीं है। उसके अलावा बदवानी फिनिशर के तौर पर खेलते हैं, तो अगर खेलते हैं तो ये भी GL की पिक रहेंगे, स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे रहेंगे नहीं। बाकी मैं अभी यहाँ पे किसी पर ध्यान देने वाला हूँ नहीं, और अभी इनके चांसेस भी कम है खेलने के। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही बैट्समैन को लिया है, यहाँ पे गायकवाड को। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों ये वाला मैच यहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलर पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया ये एक बॉलिंग पिच है, यानी कि स्पिनर इस वेन्यू पर ज़्यादा अच्छा करते हैं, बल्लेबाजों को यहाँ पे रन्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ज़्यादा बल्लेबाजों को लेके नहीं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर्स में बात करें तो रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस जहाँ पर स्पिनर अच्छा करते हैं वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस को भी मैंने लिया है, क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रहे और बैटिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको भी लिया है। उसके अलावा मोइन अली लास्ट मैच खेले थे, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 4 विकेट भी निकाले थे प्लस 19 रन भी बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे मोइन अली को भी लिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुणाल पांड्या, तो कुणाल पांड्या भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हालांकि अभी लास्ट के 2-3 मैच से देखेंगे तो उतना कुछ खास किया नहीं है, पर प्लेयर अच्छे हैं तो मैंने फिलहाल के लिए इनको भी लिया है। उसके अलावा दोस्तों KL मयर्स ओपनिंग पर आपको दिख रहे हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अगर इनकी बात करें तो इस सीरीज में काफ़ी अच्छा खेला है, पर ये भी स्लो विकेट के उतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, तो फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया। आप लोग अगर इनको, अगर आप लोगों को सेफ जाना हो तो फिर आप लोग इनको भी लेके चल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों थोड़ा अलग करके गौतम को लिया है, क्योंकि गौतम का भी अगर आप देखेंगे तो रिसेंट इनका भी ठीक ठाक रहा है, और सामने वाली टीम में दोस्तों काफ़ी आपको लेफ्टी भी देखने को मिल रहा है और ये ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, तो ये काम आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग करने के लिए गौतम को लिया है। आपको सेफ जाना हो तो गौतम की जगह पर सीधा सीधा आप लोग यहाँ पे मयर्स के साथ जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे गौतम को लिया। उसके अलावा यहाँ पे रोमारियो सेफर्ट खेलते हैं, अच्छे ऑप्शन है। बाकी अभी नीचे यहाँ पे किसी के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, तो इनमें से कोई यहाँ पे खेलेगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में,
तो यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो मार्क वुड अगर प्लेइंग 11 में आते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको हम जरूर लेके चलेंगे, पर अभी ये भी नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे रवि बिश्नोई को मैं यहाँ पे लूंगा, क्योंकि लास्ट हेड टू हेड में दो हेड टू हेड मैच रहे हैं उसमें 5 विकेट इन्होंने लिए हैं और रिसेंट काफ़ी अच्छा है, तो इनको तो मैं लेके चलने ही वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों महेश थिक्सना ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम के पास भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लखनऊ की टीम के पास भी काफ़ी लेफ्टी हैं और ये ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे थिक्सना को भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इस वेन्यू पे स्पिनर काफ़ी अच्छा करते हैं, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इनको भी लिया है। उसके अलावा दोस्तों आपके पास तुषार का यहाँ पे एक ऑप्शन है, नवीन उलहक ने जिस तरह से बॉलिंग कराई है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा पथिराना, लोग इन पर ध्यान नहीं देंगे पर दोस्तों विकेट टेकिंग बॉलर हैं और चेन्नई की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती है तो डेथ में भी ये आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे यश ठाकुर उतने अच्छे रहेंगे नहीं, जीएल में आप लोग ट्राई कर लेना, बाकी नीचे यहाँ पे अभी कोई खेल नहीं रहा है। तो इनमें से दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें, अमित मिश्रा भी दोस्तों काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए बात करूँ तो मैं यहाँ पे दोस्तों फिलहाल के लिए नवीन को लेके चल रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे तुषार और अमित मिश्रा का दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे तुषार को लिया है। तो ये चार ऑप्शन मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए चार बॉलर्स को लिया है। उसके अलावा दोस्तों अमित मिश्रा भी इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्पिनर हैं और काफ़ी अच्छा आपको करके दे सकते हैं। लास्ट मैच में हमने इनको लिया भी था अपनी टीम में और इन्होंने 2 विकेट भी निकाले, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे इन चार बॉलर्स को ही लिया है। तो अब दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनसी की यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे कॉनवे का एक ऑप्शन है, ऋतुराज गायकवाड़ का ऑप्शन है, क्योंकि रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, तो ये लोग आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे रविंद्र जडेजा और यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा अलग करना चाहें तो मोइन अली भी इस मैच में काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये चार अच्छे ऑप्शन मुझे दिख रहा है इस मैच में सीबीसी के। तो फिलहाल के दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस मैच में मैं यहाँ पे थोड़ा अलग जाके कैप्टन अपना मोइन अली को कर रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी की बात करें तो वीसी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना कॉनवे को कर रहा हूँ, पर मैं चेंज कर सकता हूँ आफ्टर टॉस, अगर मुझे लगेगा कि जडेजा को करना चाहिए तो मैं जडेजा को भी कर सकता हूँ या फिर गायकवाड़ के साथ भी जा सकता हूँ। तो जो भी होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी टीम बन रही है यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब इस टीम में अगर कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।